ओम शांति। आज बाबा के 12-10-21 के मधुर साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है और अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, किसी भी बात में डरना नहीं है, रंज नहीं होना है अर्थात नाराज नहीं होना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, अपनी रचना को आपे ही संभालना है, लेकिन रचना को संभालते हुए रचयिता शिव बाबा को सदा याद करते रहना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे महावीर बनो। आते ही बाबा टाइटल दे रहे हैं, महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? बहुत अच्छी बात है हम सब की धारणा के लिए, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाबा को मिली हैं, फिर कृष्ण को भी गाली देते, अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं है तो ज़रूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, ऐसे ही फॉलो फादर। गीत, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं बिगड़ी को बनाने वाला, कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों के गीत हैं, ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रसम रिवाज हैं वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों के सुनाने के लिए, वह भी जब तक तुम नहीं समझा हो तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता है वो सत्युग में जाएंगे ही। तो तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए, फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं, निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए हैं, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे, जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा, गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गया, फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवानों वाच्य हैं, तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। बारी बारी कितने हंगामे होते गए इस यज्ञ में, जब आदि में शुरुआत हुई, भाई काके चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए ना, तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे रह कैसे सकते। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा
हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको ज्ञान मिला तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। निर्मल शांता दादी जी शादी किए हुए थे, उनको भी मालूम पड़ा तो पवित्रता पर झगड़ा हुआ, बहुत ये सब हंगामा हुआ, लेकिन दादी जी बाबा की बच्ची बन गई, पवित्र बनी। जवाब दे दिया तो पति को, हम विष नहीं देंगे, इतनी हिम्मत चाहिए पति को जवाब देने के लिए। बस इस बात पर ये बहुतों का झगड़ा चला, बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई की भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सकें, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो करनी चाहिए ना, बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा, अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम करके दिखाया, पहले अपनी रचना को किया, फिर औरों को भी पवित्र बनाया, ये ज्ञान दिया। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उसको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, सदगति दाता मैं ही हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी ही है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य में किसी को, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं, और समझते भी नहीं है। मालूम नहीं तो मालूम करना चाहिए ना, मालूम तो है ही नहीं लेकिन समझना भी नहीं चाहते। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ, तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया है और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सत्युग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाली मृत्यु कभी होती ही नहीं, अब तुम जैसे कि त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, रावण राज्य में भी भवका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य सत्युग में होगा, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं, अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे सत्युग में, वो संस्कार ले जाएंगे, साइंस यहाँ की वहाँ पर भी काम में आएगी, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं, ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अकल मंद तो है ना,
ये साइंस तुमको फिर काम में आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। वहाँ तो हर चीज नई होगी, अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को आज की धारणा की पॉइंट, बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह कोई थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है, ना जानने के कारण गाली देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम्हें ज्ञान है, इसलिए तुम्हें महावीर बनना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है, करके गाली देंगे। गाली इनको भी बहुत दी है, ब्रह्मा बाबा को। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। कृष्ण तो गाली नहीं खाता है, पर शास्त्रों में दिखाए हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में होता है ना, वहाँ कोई गाली देगा ना देने का कोई कारण बनेगा। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल, दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के हो जाएंगे। मामा बाबा के फीचर्स फिर लक्ष्मी नारायण के हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। तकदीर भी तो चाहिए अच्छी बातें समझने के लिए। तो बाबा ने कहा जब तकदीर में हो तब तो समझे। महावीर कोई तूफानों से डरेंगे नहीं, वह अवस्था तो पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है क्या, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपी? आप सभी। बाप आई ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते हैं वन नेस हो। एक धर्म होना चाहिए, यह भी किसी को पता नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। यहाँ विकार बिगर जन्म हो न सके, मौत पलिती है ना। अब बाप ने में निश्चय है तो श्री मत पर पूरी रीति चलना पड़े। कुछ चलिए कुछ नहीं, नहीं, बाबा की श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने बच्चों को कहा है अगर शादी करनी है जाकर करो, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी इच्छा है, ये जीवन पसंद है या वो जीवन, जो जीवन पसंद है वो अपना जीवन जियो। बाबा थोड़ी कहता है, ज़बरदस्ती नहीं करता बाबा। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है? तो क्या जवाब देंगे बाबा? यह पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। एक बार बता दिया बाबा ने, अब क्या करना है वो तो हम जाने ना, डिसीजन हमने लेना है। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना हर्जा थोड़ी है। जैसे मेहता भाई साहब ने किया, सगाई हो गई थी कोकिला बहन जी को, बता दिया सब कुछ और वो एकदम राजी हो गई। पूरा जीवन पवित्रता से बिताया। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो तो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो।
अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं ये सबको दिखाना है, प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते हैं, भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए हैं। यह आदत कहाँ से निकली, इन झूठे चित्रों से। सत्युग में तो ऐसी बात होती ही नहीं, थकते ही नहीं है जो लक्ष्मी पांव दबाए। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी। थकावट की बात हो न सके, ये तो दुख की बात हो जाती है, वहाँ दुख कहाँ से आया। तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग रहता था, ब्रह्मा बाबा को, इसलिए भक्ति करते थे। तो बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चों को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ ना कर सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए, दादी से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो, सीता से बड़ी कौन है, लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो, ज्ञान सागर बैठ। तुम आत्माओं को समझाते हैं आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं, हजार गुना बाबा हमको मदद करता है। हमको बाबा की श्री मत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो, अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता तो बच्चा बच्चा नहीं, वह कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्री मत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आई हो, अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत रखो, बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे ना। प्रजा बनने में भी राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, बारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिश बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो, तमेव मातश्च पिता तमेव बंधु सखा आदि आदि। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है,
दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, भारत की ही सारी बात है, तुम बच्चे जानते हो। यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मीनारायण आस्तिक है या नास्तिक, तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सत्युग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते, वहाँ है सुख। तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं। इस समय तुम आस्तिक बन करके वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को नास्तिक नहीं कहेंगे, उन्होंने प्रारब्ध पाई हुई है। यहाँ परमात्मा को जानते नहीं तो बाबा ने कहा तो नास्तिक कहा जाएगा, वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उन्होंने को ये पता ही नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन हैं, पवित्र हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण को नास्तिक नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान है शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भाव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। ये अमानत किसने दी? जिसने दी उसकी याद रहेगी, वो है शिव बाबा। शिव बाबा ने ये अमानत दी तो अमानत देने वाले की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपने पन की ममता नहीं रहेगी। मैं पन मेरा है ये शरीर, ये ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज की तपस्या की पॉइंट है, जब तपस्वी तपस्या करते हैं, मुरली से संबंधित है, तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका भी बेहद का रहस्य है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में आप लोग भी नीचे जड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हो। कल्प वृक्ष दिखाया है, जड़ में ब्रह्मा बाबा सरस्वती और अनन्य 8 बाबा के बच्चे बैठे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। ये जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है, क्योंकि संगम युग पर जो भी हम कर्म करते हैं वही भक्ति में यादगार बनता है।
तो ये कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करना, ये भी संगम युग का यादगार भक्ति में चल रहा है। ये प्रैक्टिकल है भक्ति मार्ग में, फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। एक्चुअली बात है इस कल्प वृक्ष की नॉलेज को जानना, अर्थात सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना, ये बात थी। उन्होंने भक्ति में फिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करना शुरू किया। अच्छा, ओम शांति।